आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के भले ही मोटा अनाज को ब्रांड बनाने के साथ ही साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, लेकिन मौजूदा हालात में देश के 28 राज्यों में से गुजरात समेत मात्र 3 राज्यों में केवल 1.96 लाख टन मोटा अनाज उपलब्ध है। 2 अन्य राज्यों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में सरकार की ओर से मोटा अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर देने की घोषणा की है। इस वर्ष 16 जनवरी की स्थिति के अनुसार देश के केवल 3 राज्यों में भंडारण के रूप में उपलब्ध खाद्यान्नों में कुल 1.96 लाख टन मोटा अनाज उपलब्ध है। इसमें से गुजरात में 0.08 लाख टन, महाराष्ट्र में 1.61 लाख टन और मध्य प्रदेश में 0.27 लाख टन मौजूद हैं। गुजरात में 4 स्थानों पर 50,000 टन क्षमता के अनाज आदि को सुरक्षित रखने के स्थल का निर्माणाधीन है। इनमें से इस वर्ष 6 दिसंबर तक अमरेली में, 31 दिसंबर तक वडोदरा में और अगले वर्ष 30 जून तक संयुक्त तौर पर पालनपुर व सिद्धपुर में निर्माण कार्य पूरे होने की संभावना है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।